नमस्कार मित्रों, मैं विजय शंकर सिंह। मैं नियमित रूप से स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, अर्थशास्त्र जैसे संबंधित सूचनाओं को लेकर आता रहता हूं। तो जिसको भी म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो मित्रों, आज जिस विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो विषय है कि म्यूचुअल फंड में निवेश के कुछ सावधानियाँ या यूँ कहें कि कुछ नियम जिसके तहत हम निवेश करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो पहला निवेश का नियम यह है मित्रों कि जब भी निवेश करें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। लॉन्ग टर्म मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म मतलब कि कम से कम 5 साल। लेकिन यदि म्यूचुअल फंडों की बात करते हैं मित्रों, तो म्यूचुअल फंडों में मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं, फंड मैनेजर्स होते हैं, उनकी एक रिसर्च टीम होती है जिससे चुन करके वो शेयर चुनते हैं, इसलिए यहाँ पर जोखिम थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए 3 साल से कम यदि ड्यूरेशन हो तो म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। 3 साल से कम होने पर इक्विटी से दूरी बना के रखना चाहिए, बल्कि 3 साल से कम अवधि होने पर हमें या तो डेब्ट फंड का रास्ता अपनाना चाहिए या बैलेंस फंड का रास्ता अपनाना चाहिए। यदि हम एकदम जोखिम नहीं ले सकते मित्रों तो हमें डेब्ट फंड का रास्ता लेना चाहिए, और यदि थोड़ा सा रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं तो 3 साल से कम अवधि के लिए भी बैलेंस फंड रख सकते हैं। हालांकि बैलेंस फंड मित्रों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का भी एक हिस्सा हो सकता है, बढ़िया फंड होते हैं। दूसरा मित्रों, हमें निवेश को एकदम सिंपल बना के रखना है, बहुत सारे फंड शामिल नहीं करने हैं। अक्सर करके देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जैसे जैसे नए नए फंड आते हैं, एनएफओ आते हैं, एनएफओ लेते जाते हैं और उनके म्यूचुअल फंडों में फंडों की संख्या बढ़ करके 8-10 हो जाती है। मित्रों, जितनी अधिक फंड होगी उतना अधिक कन्फ्यूजन भी होगा, इसलिए बिल्कुल सिंपल रखना है। प्रयास यह करना है कि 3 से 4 फंड हो, इससे अधिक फंड नहीं रखना चाहिए। और इन 3 से 4 फंडों में मित्रों लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन होना चाहिए। प्रयास यह करना चाहिए कि लार्ज कैप का हिस्सा ज़्यादा हो, उसके बाद मल्टी कैप का, उसके बाद मिड कैप का। तीसरा मित्रों, जो भी हम फंड चुने निवेश के लिए वो फंड कम से कम 300 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। छोटे फंड में निवेश करते हैं मित्रों तो फंड मैनेजर की अलग दिक्कत होती है, और बहुत ज़्यादा बड़े फंड में हम निवेश करते हैं तो वहाँ पर भी पोर्टफोलियो जो होता है कुछ एक्स्ट्रा ही डाइवर्सिफाई हो जाता है। उस लिहाज से हम लोग को मीडियम साइज के जो फंड होते हैं उसमें निवेश करना चाहिए, जो कम से कम 500-600 करोड़ से लेकर के 4000-5000 करोड़ के आसपास का जो एवीएम साइज होता है उन फंडों में हमें निवेश करना चाहिए। चौथा मित्रों, निवेश हमें SIP के माध्यम से करना चाहिए। SIP बोले तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके तहत हम एक बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, एक निर्धारित समय को निर्धारित पैसा हमारे बैंक अकाउंट से कट करके फंड में चला जाता है। तो मार्केट चाहे ऊपर जा रही हो चाहे मार्केट नीचे जा रही हो, हर अवस्था में हमारे पैसे का निवेश होता रहता है। तो जब मार्केट नीचे जाती है मित्रों तो हमें SIP का फायदा मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ है मित्रों कि मार्केट की दिशा कोई स्पष्ट निर्धारित नहीं कर सकता है, कब ऊपर जाएगी कब नीचे जाएगी। तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि नियमित रूप से पैसा लगाना। तो SIP करने से हमें अनुशासन अपने आप मिल जाता है, और जो जानकार और जो एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस मिलता है वो तो मिलता ही है। चौथा मित्रों, जब भी मार्केट अपने ऊपरी स्तर से 15-20% गिरावट हो तब हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने लंप सम भी कुछ इन्वेस्ट करें। यदि हमारे पास पैसा है तो उस पैसे का हमको निवेश करना चाहिए, क्योंकि यह जो लंप सम होता है मित्रों आगे चल करके बहुत ही अच्छा फायदा देता है। जैसे फॉर एग्जांपल तौर पर बात करें मित्रों तो इस समय मार्केट में कोरोना वायरस के कारण बहुत तगड़ी गिरावट आई है, तो जिसके पास भी लंप सम अमाउंट है, चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 50,000 हो,
तो उस पैसे का निवेश करने का सबसे उत्तम समय इस समय आया हुआ है। यदि आज हम निवेश करते हैं तो इसका भविष्य में बहुत ही फायदा मिलेगा। जिस भाव पे आजकल एनर्जी मिल रही है वो भाव बड़ी मुश्किल से आता है। पांचवा मित्रों, पांचवा बल्कि छठा है, जब भी मार्केट में गिरावट हो तो उसका लाभ लेने के लिए हमें अपने इमरजेंसी फंड को कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए। इमरजेंसी फंड मित्रों एक मकसद के लिए होता है और वो उसी मकसद के लिए होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा मिलते हैं कि कुछ इमरजेंसी के लिए पैसा रखा हुआ, तो जब मार्केट में गिरावट आती है तो सोचते हैं कि पैसा लगा दें, लेकिन मार्केट कभी भी हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलती है, ठीक है। तो वो रेंज बाउंड में रह सकता है, समय तगड़े लंबे समय तक गिरावट के फेज में रह सकता है, तो हमारे इमरजेंसी फंड फंस जाएगा तो हम निकाल नहीं पाएंगे जरूरत के अनुसार। इसलिए इमरजेंसी फंड को इमरजेंसी कार्यों के लिए रखना चाहिए, उसको वहीं पे छोड़ देना चाहिए, उसका निवेश के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। सातवां मित्रों, हमें निवेश में प्रयास करना चाहिए कि स्मॉल कैप और सेक्टर फंड को अवॉइड करना चाहिए। बात यह है मित्रों कि सेक्टोरियल फंड और स्मॉल कैप बहुत ही तगड़े जोखिम वाले होते हैं। नॉर्मल फंडों में बात करते हैं तो 3 से 4 साल का नजरिया रखा जाता है, 5 साल का नजरिया रखते हैं तो ठीक ठाक रिटर्न आने लगता है। तो स्मॉल कैप की बात करते हैं मित्रों तो कम से कम 7 साल से कम का समय न हो तो हमें निवेश नहीं करना चाहिए। 7 साल से ज़्यादा समय के लिए हमको स्मॉल कैप का नज़रिया रखना चाहिए। और जब सेक्टर फंड की बात करते हैं मित्रों तो सेक्टर फंड में कम से कम 10 साल का नज़रिया रखना चाहिए। इसलिए इन सेक्टरों से बच के रहना चाहिए, सेक्टर फंड प्लस स्मॉल कैप। आठवां मित्रों, एक और बहुत गलतियां हम लोग करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि निवेश के लिए थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए हम डायरेक्ट फंड खरीद लेते हैं। तमाम तरह के ऐप चले हुए हैं, पेटीएम है, ग्रो ऐप है, ईटी मनी है, हम लोग जाते हैं वहाँ से फंड खरीदते हैं। लेकिन मित्रों हमको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यदि डायरेक्ट फंड खरीदने अच्छे होते तो सबसे ज़्यादा निवेश डायरेक्ट फंडों में होता है, उनका एवम ज़्यादा होता है, लेकिन उनका ज़्यादा एवम नहीं होता है। एवम किसका होता है? रेगुलर फंडों का एवम ज़्यादा होता है। डायरेक्ट फंडों में मित्रों हमें मार्केट की जानकारी नहीं होती है, अनुभव नहीं होता है, इसलिए हम गलत फंड का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो हमें जब भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना है मित्रों, प्रयास यह करना चाहिए कि किसी मार्केट के एक्सपर्ट या जो डिस्ट्रीब्यूटर है म्यूचुअल फंड का काम करता है उसके माध्यम से निवेश करें। आप यहाँ पर डायरेक्ट फंडों में निवेश के लिए निवेश करके 1% पैसा बचाएंगे। नॉर्मल तौर पे देखा जाए तो रेगुलर फंडों की जो एक्सपेंस रेशियो होती है लगभग 2.25% की होती है और डायरेक्ट फंडों की 1 से 1.5% होती है। तो हम 1% पैसा बचाने के लिए हम डायरेक्ट फंडों में जाते हैं, लेकिन जो फंड मैनेजर होता है, सॉरी फंड मैनेजर जो मार्केट का आर्थिक विशेषज्ञ जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो म्यूचुअल फंड का काम करता है, निवेश सलाहकार होता है, उसको मार्केट की जानकारी होती है, कब मार्केट में गिरावट के आसार होंगे, कब मार्केट में चढ़ने के आसार होंगे, कब फंड को डेब्ट में स्विच करना चाहिए, कब फंड को इक्विटी में स्विच करना चाहिए। तो इस प्रकार निवेश सलाहकार अपने अनुभव से, अपने नॉलेज से 1% ज़्यादा पैसा लेकर के हो सकता हो कि आपको 2-3% ज़्यादा पैसा रिटर्न दिला दे। होता है ऐसा, मैं ही एक गया था तो एक ऐसा उदाहरण देखा था। तो हमें जो मार्केट के एक्सपर्ट लोग होते हैं उनके माध्यम से निवेश करना चाहिए, उसके अपने फायदे हैं, और डायरेक्ट हम निवेश करते हैं तो उनके अलग नुकसान होते हैं, तो हमको देखना चाहिए। नवा मित्रों, हमें SIP में स्टेप अप सुविधा भी अवश्य लेना चाहिए। स्टेप अप सुविधा से यहाँ से ये होता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारी निवेश की रकम भी बढ़ जाती है। मैं जैसे बात करूँ मित्रों सरकारी नौकरी करने वाले की, तो सरकारी जो भी नौकरी करता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसके साल में 3 बार पेमेंट बढ़ती है।
एक इंक्रीमेंट होता है और दो डीए होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जैसे किसी एक को निवेश के नाम सुपुर्द कर देना चाहिए, चाहे डीए को करे चाहे क्या कहते हैं जो वेतन वृद्धि होता है उसको करे। तो हमें पहले से ही उसकी तैयारी करके रखनी चाहिए। जैसे हमने मान लिया 5,000 की SIP शुरुआत की और हमारा जो है इंक्रीमेंट बढ़ता है 500 रुपये का या 1,000 रुपये का बढ़ता है, और दो डीए मिला लिया जाए तो साल का 1,000-2,000 रुपये की तो सामान्य एक 25-30,000 रुपये तनख्वाह पाने वाले की मैं बात कर रहा हूँ मित्रों, कि साल में उसकी 1,500-2,000 से इनकम ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसका 500 या 600 हिस्सा रख दे स्टेप अप के लिए। तो पहले ही क्या करे कि जैसे जुलाई महीने में इंक्रीमेंट लगता है तो अपने SIP फॉर्म में जुलाई महीने में निवेश में वृद्धि का ऑप्शन दे देवे। तो जैसे जुलाई अगला साल आएगा वैसे ही 500 रुपये की वृद्धि हो जाएगी, उसका अगला जुलाई आएगा फिर 500 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। तो होगा क्या कि निवेश की एक हमारी आदत लग जाएगी और बढ़ते निवेश की आदत लगेगी, तो वो एक समय बाद हमें एक अच्छा रिटर्न मिलता है, उसकी एक अलग सुविधा होती है, उसका एक अलग फायदा होता है। तो हमें स्टेप अप सुविधा भी लेनी चाहिए। और दसवां मित्रों अंतिम ये है कि जरूरत के अनुसार जब भी पैसा निकालना हो पैसा हो तो प्रयास यह करना चाहिए कि उस पैसे को इक्विटी यानी म्यूचुअल फंड से निकालने का अंतिम विकल्प के रूप में अपनाना चाहिए। हमारे पास जो दूसरे साधन होते हैं जैसे FD हो गए, जैसे किसी और से यदि कोई नज़दीकी व्यक्ति है उससे मदद मिल सकती है, तो सबसे पहले हमको वहाँ से रास्ता अपनाना चाहिए, जुटाना चाहिए पैसा। क्योंकि म्यूचुअल फंड आसान लगता है मित्रों, रिडम्पशन आसान होता है, एक फॉर्म भरे पैसा 2-3 दिन के अंदर वापस आ जाता है, तो लोग इसको एक साधन बना लेते हैं। ये हमको नहीं करना चाहिए, हमको म्यूचुअल फंड से पैसा अंतिम विकल्प के रूप में निकालना चाहिए, अंतिम विकल्प। क्योंकि जब हम पैसे को जितना दिनों तक फंड में इन्वेस्टेड रखते हैं उतना ही अधिक फायदा होने की उम्मीद रहती है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही, वीडियो उम्मीद है पसंद आया होगा। तो म्यूचुअल फंड मित्रों जरूर निवेश करना चाहिए। यदि इन साधनों का जो भी हम ऊपर बताए हैं इसका हम अनुशासन के साथ पालन करते हैं तो आसानी से हमको 15% से ऊपर के रिटर्न प्राप्त हो जाते हैं। सामान्यतः एक अनुमान के मुताबिक मित्रों यदि 15,000 रुपये की SIP 15 साल के लिए करते हैं तो 15% की दर से आसानी से हमको 1 करोड़ रुपये का की संपत्ति पैदा हो जाती है, बन जाती है। तो यदि हमें अच्छा रिटर्न लेना है, अच्छा पैसा बनाना है मित्रों, तो म्यूचुअल फंड में जरूर लगाना चाहिए। यदि म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करते हैं तो इन्फ्लेशन जो होता है हमारे बचत को खाता रहता है, जिसका हमें एहसास बाद में होता है। तो मित्रों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।